पहले तो आप सब लोगों को बधाई कि राज्य सरकार द्वारा बिना परीक्षा के 9th से 10th क्लास में आपको प्रमोट कर दिया गया है। और अब 10th की कक्षाएं विधिवत प्रारंभ हों, कोरोना वायरस की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए ऑनलाइन क्लास लेने का निर्णय लिया गया है। मैं आपको विज्ञान और गणित दोनों विषयों को इस वर्ष लूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वर्ष हमारी पुस्तकें भी चेंज हो गई हैं। NCERT की बुक्स विद्यालय के माध्यम से आपको ऑनलाइन भेज दी गई होंगी, और अगर नहीं मिली हैं तो रोजी मैडम से एक बार रिक्वेस्ट करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले NCERT की साइंस की पुस्तक का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे और बुक से आपको इसे पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाएं किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दैनिक जीवन में हम देखते हैं बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे चारों तरफ होती रहती हैं, वस्तुओं का जलना, जंग लगना, दूध का फटना या वस्तुओं का सड़ना, जैसे कि हम विकृत गंधिता भी कहते हैं। ये सारी अभिक्रियाएं हमें रोजाना देखने को मिलती हैं और यह सब रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही संभव है। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हमें इन्हें समीकरणों में व्यक्त करना पड़ता है। रासायनिक समीकरण द्वारा इन अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। आपकी बुक में पहला उदाहरण दे रखा है, मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम मैग्नीशियम के फीते को रेगमाल से रगड़ के साफ करना पड़ता है, जिससे उसके वायुमंडल की ऑक्सीजन से बने ऑक्साइड्स पृथक हो जाते हैं। अब इस फीते को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे हम निम्न समीकरण 2Mg+O2 = 2MgO द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसे भी हम समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, C+O2 = CO2। रासायनिक समीकरण की जहाँ तक परिभाषा का विषय है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक, वो पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं, एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले क्रियाफलों को तत्व या यौगिकों को उनके प्रतीकों के रूप में या अणुसूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को हम 9th क्लास में आपने जो संकेत पढ़े हैं उन संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण C+O2 = CO2 या अन्य उदाहरण देखें, जस्ते के गंधक के अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। समीकरण में हम इसको व्यक्त करेंगे तो Zn+H2SO4 = Zn SO4+H2। हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उड़ जाती है, जिसे ऊपर की ओर एरो द्वारा व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण को हम हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करते हैं। किसी भी अभिक्रिया में समीकरण को संतुलित अवस्था में दिखाना बहुत आवश्यक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया
को अगर हम देखें तो उसमें न तो किसी द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्षय। क्रिया कारक तथा क्रिया फलों में परमाणुओं की संख्या हमेशा समान रहती है, न कोई परमाणु बनता है और न कोई नष्ट होता है। रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे लोहे की छीलन की जल वाष्प से क्रिया कराएं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको समीकरण में हम लिखें Fe प्लस H2O, Fe3O3 प्लस H2। ऐसी स्थिति में यह समीकरण असंतुलित होगा, क्योंकि Fe3O4 बन रहा है, अतः हमें आयरन के 3 भाग और जल के 4 भाग लेने होंगे। संतुलित समीकरण करने के लिए हम केवल तत्वों के आगे ही लिख सकते हैं, अतः संतुलित समीकरण होगा 3Fe+4H2O, Fe3O4+4H2, यह संतुलित समीकरण होगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण में देखें, हम नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं, N2+H2=NH3। लेकिन यह समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का 1 भाग और हाइड्रोजन के 3 भाग लेने पर 2 भाग अमोनिया के बनते हैं। अतः संतुलित समीकरण होगा N2+3H2=2NH3। और भी उदाहरण ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलकर के CH3OH मैथिल एल्कोहल या मैथेनॉल बनाते हैं, लेकिन यह संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हमें 1 भाग कार्बन मोनोऑक्साइड CO+2H2, 2 भाग हाइड्रोजन के लेने होंगे, तब संतुलित समीकरण में CH3OH मैथेनॉल या मैथिल एल्कोहल बनेगा और यह संतुलित समीकरण कहलाएगा। लेकिन इन समीकरणों से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है या हाइड्रोजन गैस है, आयरन ठोस है। देखने से हमें यह पता नहीं लगता। इनकी भौतिक अवस्थाओं की जानकारी के लिए हमें इन तत्व या यौगिकों के नीचे छोटे पदार्थ में छोटे रूप में लिखना होता है, जैसे S फॉर सॉलिड, आयरन Fe सॉलिड होता है, तो इसके लिए ब्रैकेट में हम शॉर्ट में S लिख देते हैं। अब इसकी जल वाष्प से क्रिया कराते हैं, 3Fe+4H2O, तो यहाँ H2O वैसे पानी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ रक्त तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित की जाती है, तब फेरिक ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ 4H2O के आगे G लिखा हुआ है। बनने वाला पदार्थ Fe3O4 सॉलिड है, इसलिए S लिख दिया, और हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस के लिए जी के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की क्रिया के फलस्वरूप मैथेनॉल या मैथिल एल्कोहल बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों के आगे हम ब्रैकेट में जी लिख दिया हमने, और मैथेनॉल के आगे ब्रैकेट में एल लिख दिया। एल का मतलब लिक्विड, द्रव अवस्था में है ये। इसी प्रकार N2+3H2=2NH3। अब इसमें क्रिया कारक के रूप में नाइट्रोजन गैस प्लस 3 भाग हाइड्रोजन गैस मिलकर के 2 भाग अमोनिया गैस बन रहे हैं। तीनों के आगे हमें जी जी लिखा है, हमने लिखा है क्योंकि तीनों ही गैसें हैं।
क्रिया कारक और क्रिया फल दोनों ही गैस हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की मदद से बनने वाले भोजन, जिसमें कि ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है तथा पानी बनता है, इनको भी हम क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के रूप में, जी जल को लिक्विड के रूप में, और C6H12O6 ग्लूकोज, हालांकि ठोस होता है लेकिन ये यहाँ द्रव अवस्था में एक्वा रूप में पानी मिला हुआ प्राप्त होता है, इसलिए इसके आगे एक्वा लिख देते हैं, AQ। एक्वा का मतलब होता है पानी। ऑक्सीजन गैस है इसलिए ब्रैकेट में G लिख दिया, और बनने वाला जल लिक्विड होता है इसलिए L लिख दिया। अन्य उदाहरण ले, हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस बनती है 2HCl से, तीनों के आगे हमने G लिख दिया। इस तरह से हम ठोस पदार्थ को सॉलिड के रूप में सॉल्ट S से, गैस को G से, और पानी मिले पदार्थ को एक्वा से, तथा द्रव को लिक्विड से, L से दर्शाते हैं।